हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप मेरे साथ देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, साइड बाय साइड मैंने दो फुटेजेस यहां पर रखे हुए हैं। चलिए एक बार इसको प्ले कर लेते हैं। जैसे मैं प्ले अराउंड करता हूं, आप देख पाएंगे आपको इस फुटेज में कुछ खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। तो एक्जैक्टली हमने काम क्या हुआ है, जैसे ये वाला फुटेज आप देख पा रहे हैं, ये मेरा इनपुट है, देन ये वाला जो फुटेज है ये मेरा आउटपुट होने वाला है। अगर आप जो डिफरेंसेस देखेंगे, कुछ खास डिफरेंस नहीं होने वाले। हमने इसमें वर्क क्या किया, हमने ग्रिड वॉप ट्रैकर नोट का यहाँ पर यूज़ किया और थोड़ा सा ब्यूटी फिक्स करने की कोशिश की है। अभी मैं बता देता हूँ जो ब्यूटी फिक्स वर्क हमने किया है, क्या किया है हमने, इसको इसके फेस को थोड़ा सा शेप देने की कोशिश की है। इसका फेस से थोड़ा सा राउंड दिख रहा था, तो हम इसके शेप को थोड़ा लंबा करने की कोशिश करेंगे। तो कैसा हमने किया, देखिए ये मेरा इनपुट है, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे इनपुट दिख रहा है, यहाँ पे मेरा आउटपुट होके आएगा। देखो तो इनपुट एंड आउटपुट में देख रहे हैं, इसके शेप को हमने राउंड से थोड़ा लंबा करने की कोशिश की है, थोड़ा सा शेप हमें ऐसा देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि हम ये टूल क्यों कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करिए कि जो आप प्रोडक्शन लेवल पर काम करते हैं, ब्यूटीफुल वर्क में काफ़ी कुछ काम आपको इस तरीके के आते हैं। और ये जो आपका ग्रिड वॉप ट्रैकर नोड है, काफ़ी कुछ आपको हेल्प करके देता है। मैं क्या करता हूं, ज्यादा देर नहीं करता हूं, डायरेक्टली चलते हैं अपने नए न्यूक में और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके दिखाता हूं ऐसा वर्क आप कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने एक नई स्क्रिप्ट ओपन कर ली है, जिसमें कि हमने अपनी ओरिजिनल जो फुटेज है उसको लेके आ गए हैं। तो अपने लेआउट को चेंज करने के लिए आप शिफ्ट F3 प्रेस कर लें। शिफ्ट F3 प्रेस करने के बाद जो आपका लेआउट है कुछ इस तरीके का आपको मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, अपने शॉर्ट में आपको प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेनी है। प्रोजेक्ट सेटिंग आपको कैसे करने वाले, जो हमारी प्रोजेक्ट सेटिंग की वैल्यू 3840x2160 की होने वाली, जो कि काफ़ी ह्यूज वैल्यू है। तो हम आज प्रोजेक्ट सेटिंग इस लेवल नहीं करेंगे, हम अपने साइज को थोड़ा सा रिसाइज करेंगे। एस प्रेस करना हो तो आज हम इसका जो प्रोजेक्ट सेटिंग करेंगे हम एसडी में करने वाले हैं। तो एसडी कौन सा है, 720 में हम काम करने वाले हैं। तो हमने एक को 720 कर लिया। 720 के बाद देखिए जो इसकी वैल्यू है हमें सेम वापस लेके आनी है। इसको वैल्यू कैसे लेके आ सकते हैं, टैप करेंगे, आपको एक यूज करना है रिफॉर्मेंट नोड। रिफॉर्मेंट नोड जैसे यूज करते हैं आपकी वैल्यू सेम हो जाती है जो आपने प्रोजेक्ट सेटिंग की वैल्यू दी हुई है। इसको कर देते हैं क्लोज। और जो आज का हम टूल यूज करने वाले हैं वो टूल है हमारा ग्रिड वॉप ट्रैकर नोड। तो यहां से आपको ले लेना है ग्रिड वॉप ट्रैकर नोड। जैसे आप ग्रिड वॉप यहां से ट्रैकर नोड लेते हैं, आपको यहां देखिए सोर्स डेस्टिनेशन के अलावा आपको जो न्यू मिलता है ग्रिड वॉप के अलावा, ये हमारा स्मार्ट वेक्टर नोड मिलता है। स्मार्ट वेक्टर का ऑप्शन मिलता है, तो जाहिर सी बात है अगर यहां स्मार्ट वेक्टर का मिलता है तो हमें एक स्मार्ट वेक्टर लेके आना पड़ेगा। तो आपको प्रेस करने लेना है टैब और यहां से आपको ले लेना है एक स्मार्ट वेक्टर नोड। स्मार्ट वेक्टर नोड लेने के बाद आप डायरेक्टली स्मार्ट वेक्टर को यहां से ऐसे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी आपको क्या करना है, ग्रिड वॉप नोड को साइड में रख दें और जो आपका स्मार्ट वेक्टर नोड है इसको अपने ओरिजिनल फुटेज से कर दे कनेक्ट। देखिए मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कनेक्ट कर दिया। तो अभी वापस से आपको इसको व्यू करके देख लेना है। जैसे ही आप व्यू करते हैं स्मार्ट वेक्टर को, देखिए यहाँ पे एकदम ब्लैंक हमारा जो स्क्रीन है पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो नज़र आने के लिए आपको क्या करना है, जो यहाँ पे RGB की वैल्यू है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एक स्मार्ट वेक्टर। जैसे ही आप स्मार्ट वेक्टर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आता है एक वेक्टर, जो वेक्टर मैप है यहाँ पे नज़र आ जाता है, तो ऐसा कुछ नज़र आता है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पे हमें स्मार्ट वेक्टर नोड की प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या करना है, जो वेक्टर डिटेल्स की वैल्यू है यहाँ 0.3 मिलती है, तो इस वैल्यू को आप 0.3 से 0.7 के बीच में रख सकते हैं। हायर करेंगे तो आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होनी चाहिए थोड़ी सी। तो मैं इसको 0.3 के बजाय मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा, इसको मैं 0.5 तक लेके आऊँगा यहाँ पे ऐसा कुछ। देन नेक्स्ट आपको मिलता है, आपको ये जो वेक्टर मैप है इसको आपको रेंडर कर लेना है। रेंडर आपको कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट राइट करना है। जैसे आप करेंगे यहाँ पे हमें एक राइट मोड मिल जाता है, डबल क्लिक करते हैं। अभी हमें इसकी पाथ देनी है, पाथ कहाँ पे देनी है चलिए हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक पाथ ले लेता हूँ। ये पाथ जैसा क्या है, जो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसका नाम हम देते हैं एक स्मार्ट करके, हम नाम दे देते हैं स्मार्ट करके। अभी आपको एंटर करना है, देन मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम आके इसको पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट किया, डबल क्लिक करेंगे यहाँ करेंगे। अब इसको हमें क्या है, एक वेक्टर मैप रेंडर करना है, तो इसको आप वेक्टर करके नाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी नाम दे। मैंने यहाँ वेक्टर करके इसको नाम दे दिया है वेक्टर, और जाहिर सी बात है रेंडर का जो फॉर्मेट है वो आपको सेट कर लेना है। देन इसको आपको रेंडर करना है EXR फॉर्मेट में, यहाँ पे मैं सेव में कर देता हूँ क्लिक। देखिए ऐसा कुछ हमने क्लिक किया है। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, डायरेक्ट बात है यहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है स्मार्ट वेक्टर। देखिए स्मार्ट वेक्टर हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी मोस्टली आपको क्या करना है, रेंडर में क्लिक कर देना है। रेंडर में क्लिक करने के बाद अपनी फ्रेम रेंज को डिसाइड कर लेना है, देन हिट कर देना है ओके में और थोड़ा सा वेट करना है रेंडर होने के लिए।
ओके, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पे स्मार्ट वेक्टर था पूरी तरीके से रेंडर होके आ गया। तो अभी चलते हैं अपने फोल्डर में, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने स्मार्ट वेक्टर को। अभी यहाँ पे हम क्लिक करके कंट्रोल वी कर लेते हैं। अभी वो यहाँ से मैं वी करता हूँ, देखिए तो हमें जो स्मार्ट वेक्टर ही पूरी तरीके से यहाँ पे रेंडर होके आ गया है। ऐसा कुछ एक वेक्टर मैप हमें मिल गया, लेकिन हम अगर अपने ओरिजिनल फुटेज को यहाँ से व्यू करते हैं तो पूरी तरीके से ब्लैंक नजर आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना RGBA। देखिए ऐसा कुछ होने वाला है। अभी जो राइट नोड है और स्मार्ट वेक्टर नोड है, आपको इसको डिसेबल करके साइड में रख सकते हैं या मोस्टली आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। देखिए ऐसा कुछ हो गया है। तो अभी हमने ग्रिड वॉप नोड यहाँ पे लिया था। देखिए अभी क्या करनी है हमें, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करने। देखिए जो स्मार्ट वेक्टर का ऑप्शन है, हमें स्मार्ट वेक्टर में ऐसे कुछ कनेक्ट कर लेना है। देखिए मेरे पास एक सोर्स का ऑप्शन है, सोर्स में ऐसा कुछ कनेक्ट कर लेना है। अभी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसे लाइन अप कर ले। तो देखिए मैंने ऐसा कुछ कर लिया है। देखिए अभी ये आपको एक मर्ज लेना है। मर्ज लेने के बाद आपको ऐसा कुछ कर लेना, तो जो इसको यूज करने का तरीका है आप ऐसा कुछ क्रिएट करके कर लें। देखिए अभी वन में प्रेस करता हूँ, इसको टू करता हूँ, देन आपको वापस से आता हूँ अपने ग्रिड वॉप ट्रैकर नोड, आपको डबल क्लिक कर लेना है। जैसे आप डबल क्लिक करते हैं आपको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो हमें क्या करता है, सबसे पहले देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे देख पाएंगे, तो ये प्रॉपर्टीज़ मेरे को मिल जाती हैं। देखिए डिवीजन का ऑप्शन, देखिए यहाँ पे वार्प अमाउंट हमें वन ही रखना है। देखिए यहाँ पे वार्प एंड वार्प का ऑप्शन मिलता है। जाहिर सी बात है हम आज वार्प करने वाले, तो हम वार्प ही करेंगे। वापस से आते हैं, हमें मिलता है डिवीजन का ऑप्शन। डिवीजन की वैल्यू को अगर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे। देखिए थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं इनकी बढ़ के आ गई हैं। तो मोस्टली हमें क्या करना है, इसको आप डिफ़ॉल्ट ही रख सकते हैं। देखिए 5 की वैल्यू, वापस से मैं 5 कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फॉर्म एंड टू का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको टू को यहाँ से कर लेना है डिसेबल। जैसे डिसेबल करते हैं ओनली जो फॉर्म की वैल्यू वो हमें मिल जाती है। आपको जैसे मैं बता रहा हूँ, हमें आज वर्क करना है फेस पे करना है, तो यहाँ पर आते हैं, जो हम ये लेने वाले हैं फेस के अराउंड आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप इस सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट करके आप इसको अपने अकॉर्डिंग रोटेट कर दें। लेकिन जैसे आप रोटेट करेंगे, देखिए हमारा फेस भी उसके अकॉर्डिंग रोटेट होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आप काम करें आप अपने ओरिजिनल फुटेज को व्यू करें। देखिए चलिए अभी अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं, मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ। देखिए एक सेटिंग, बेसिक सेटिंग कर ली है। अभी इनकी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। देखिए आप ओके, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पूरी तरीके से अपने जो ग्रिड वॉप था, यहाँ पे हमने अपनी ग्रिड को पूरी तरीके से एडजस्ट कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको इसको ट्रैक करने का, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ट्रैक फॉरवर्ड। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा जो ट्रैक था पूरी तरीके से ट्रैक होके आ रहा है। सेम हमने फॉरवर्ड किया था, हमें अभी बैकवर्ड की तरफ क्लिक कर देना है। ओके, जैसे हमने बैकवर्ड किया, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो हमारा जो ये ग्रिड वॉप था पूरी तरीके से ट्रैक होके आ गया है। आपको नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है, चलिए देख लेंगे। इसका हमने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपको यहाँ पे आ जाना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको इसकी विजिबिलिटी को, टू की विजिबिलिटी को ऑन कर देंगे। जैसे आप टू की विजिबिलिटी ऑन करेंगे, ये देखिए हमारा जो फॉर्म है टू के साथ मैच होकर नहीं जा रहा। उसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन लिंक का मिलता है, आपको लिंक में क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक में क्लिक करेंगे, ये दोनों एक साथ ट्रैक होके पूरी तरीके से जाने लगेंगे। अभी हमें क्या करना है, वापस से यहां पे आना है और अपने इसको सेलेक्ट कर लेना है टू को, एंड यहां पे हमें क्लिक करना है, हमें लेना है एड एडजस्ट ग्रिड। जैसे भी आप एडजस्ट ग्रिड करते हैं, देखिए आपको कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन या अपनी ग्रिड हो जाती है। वन करता हूं, अभी इसकी वैल्यू को हम प्रेस कर लेंगे टू। अभी हमें अब क्या करना है, अपने फेस को थोड़ा सा यहां पे डिस्टॉर्ट करना है। ज्यादा वैल्यू आप चेंज ना करें, बेसिक्स ही हमें करनी है। यहां से अंदर की तरफ थोड़ा ले लेंगे, ये भी थोड़ा अंदर लेंगे। ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं करने, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही चेंज करें। अभी वापस से यहाँ अंदर में थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ। देखिए हमने इतना ले लिया, ऐसा कुछ। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, वापस इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। वन प्रेस करता हूँ इसको, यहाँ पे टू प्रेस करता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, ये जो मेरा फेस है थोड़ा सा राउंड से थोड़ा सा लंबा हो गया, फेस चेंज होके आ गया। ज़्यादा हमने चेंजेस नहीं किए। अभी चलिए इसको हम प्ले करके देख लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे बफर होने के लिए। ओके, तो ये हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ गया। जैसा कि आप देख पाएंगे, देखने में आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगने वाला है, लेकिन आप एक साथ पीछे समझ लें, ये जो नोट्स था मेरा जरिया था कि आपको ग्रिड वॉप नोट, ग्रिड वॉप ट्रैकर नोट कैसे यूज करना है वो दिखाना था। तो ब्यूटी वर्क में कुछ इस तरीके से आप अपने ग्रिड वॉप ट्रैकर नोट का यूज कर सकते हैं। और ये फुटेज रहेगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने इस क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिए अपना।